खबर शामिल करते हैं जोही से, जहां पर आईबीए टेस्ट पास उम्मीदवारों फैयाज खिलजी, आसिफ खिलजी, वसीम सुबरो, कमल सुबरो, मैक शेख की सरबराही में मखदूम बिलावल पार्क से दादू जोही चौक पर एहतजाज किया और सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि डीओ दादू अब्दुल कादिर लाशारी ने एसटीआर की लिस्ट के मुताबिक पास उम्मीदवारों में ऑफर आर्डर तकसीम नहीं किए, जो कि जोही तालुके के साथ नाइंसाफी है। मुजाहिरीन का कहना था कि जोही तालुके में 5 फीमेल को ऑर्डर देना नाइंसाफी है। हमारा मुतालबा है कि एसटीआर लिस्ट के मुताबिक पास उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर की जाए ताकि महकमा तालीम की जानिब से पास उम्मीदवारों को ऑफर आर्डर मिल सके। अफसरान रिश्वत के एवज ये सीटें बेचकर अपनी जेब भरने के चक्कर में। मुजाहिरीन ने अपनी तालीमी डिग्रियां भी चौक में रखकर आग लगा दी। इनका कहना था कि मेरिट का कत्ल करके सिफारिश और रिश्वत के एवज भर्ती होने वाले उम्मीदवार नामंजूर हैं। इन्होंने सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार शाह और वजीर अला सिंध से मुतालबा किया कि एसटीआर के मुताबिक जोही तालुके में पास उम्मीदवारों को ऑफर आर्डर देकर बेचैनी खत्म की जाए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल HRJDO News।